एक बड़ी मशहूर कहावत है, जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में जल्दी काम इंसान करने की कोशिश में लगा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है। पहले हमें लगता था राशन तो केवल प्रचून की दुकानों से लाया जा सकता है, तो घर के पास जो भी हमारे अंकल होते थे हम उनसे राशन ले आते थे। फिर प्रचून की दुकानें अपग्रेड होकर सुपर मार्केट्स में बदल गई, जहाँ पर घर की ज़रूरतों के तमाम सामान आपको मिल जाते थे। फिर ये दुकानें ऐप्स के ऊपर आ गई, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ गए जिन्होंने कहा कि आप ऐप पर सामान बुक करो, आज नहीं तो कल हम आपके घर पहुँचा देंगे। फिर उनको लगा यार दो दिन आदमी को क्यों वेट कराया जाए, सामान आज का आज क्यों ना पहुंचाया जाए। फिर ये हुआ कि चलो सेम डे डिलीवरी दे देते हैं। अब ये स्पीड इतनी बढ़ गई है कि अब ऐप्स कह रही हैं हम आपको 10 मिनट में आपके जरूरत का सामान आपके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन जब से ये अनाउंसमेंट हुई है चारों तरफ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इसको झेलना पड़ा है। लोगों ने इसको अमानवीय कहा है, उन्होंने कहा ये इनह्यूमन है, आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो ज़्यादा तेज़ी से बाइक चलाएं, इससे रोड रेज की घटनाएं बढ़ेंगी, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, ये एक अनसेफ तरीका है डिलीवर करने का। और हाल ही में आनंद महिंद्र साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट करके कहा कि मुझे भी ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही कि भैया 10 मिनट की डिलीवरी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ज़ेप्टो के जो फाउंडर है उन्होंने कहा है कि ये जो डिलीवरी है 10 मिनट की डिलीवरी, ये 1.8 किलोमीटर तक के लिए वैलिड है, और 1.8 किलोमीटर के अंदर अगर 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी है तो ड्राइवर को या फिर राइडर को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार पे मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी, जो कि एक सेफ रफ्तार है। यानी कि एक राइडर के पास भरपूर समय है वो 10 मिनट की डिलीवरी करने के लिए। और उन्होंने कहा कि इसी वजह से उनके जो राइडर्स हैं उनका एक्सीडेंट का जो रेट है वो 3.1 टाइम्स कम है किसी और ऐप के तुलना में। तो अब देखिए, अब ये तो हो गई बात की ज़ेप्टो की, लेकिन बहुत सारी और भी ऐप्स हैं जिन्होंने कहा कि हम 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करेंगे, और हम लोग प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं कि बहुत सी ऐप्स कर भी देती हैं 10 मिनट के अंदर डिलीवरी। लेकिन क्या वाकई में इतनी फास्ट डिलीवरी की ज़रूरत है? क्या हम इतने आलसी बनते जा रहे हैं कि हम अपने कुछ सामान को 2 घंटे पहले भी प्लान नहीं कर सकते? इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिए। लेकिन ये बात तो तय है, समय के साथ रेस स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, और इस रेस के अंदर स्टार्टअप्स की जीत कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं ये 10 मिनट का समय कहीं 5 मिनट और 2 मिनट में ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो एक चिराग आपको ऐप्स देते हैं और घिसो और बाहर जिन निकले बोले बताओ मेरे आका आपको चाहिए क्या। खैर ये मजाक से हट के बात हो गई, लेकिन इस बात के दो पक्ष थे, हमने आपको दोनों पक्ष समझा दिए। एक पक्ष का कहना था कि इतनी जल्दी डिलीवरी कराएंगे तो एक्सीडेंट होंगे, वहीं जो लोग इन डिलीवरी मॉडल्स को ला रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने इस पर भरपूर काम किया हुआ है, हम इसको सेफ बना के लाएंगे। हालांकि जब डोमिनोज ने भी 30 मिनट डिलीवरी स्टार्ट करी थी तो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई अगर आपको 30 मिनट डिलीवरी गारंटी देनी है तो आपके राइडर्स रैश ड्राइविंग करेंगे, अनसेफ ड्राइविंग करेंगे। लेकिन उसको भी डोमिनोज जैसे ब्रांड ने काउंटर किया और उनकी डिलीवरी आज भी 30 मिनट की डिलीवरी चलती है। तो उम्मीद है कि 10 मिनट डिलीवरी का सिस्टम ज़्यादा रोबस्ट हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और लोगों को उनका ज़रूरत का सामान कम देरी में मिल पाएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भर के दे दो। मेरा नाम मानव है और हमेशा से मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद कहिए।